हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ अपनी कोई भी कुकिंग वीडियो शेयर नहीं करूँगी। मैं अपनी मॉर्निंग मेडिटेशन की वीडियो शेयर करूँगी, सहज योगा मेडिटेशन जो हम लोग कैसे करते हैं उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्ताषि, तमेव केवलं धर्ताषि, तमेव केवलं हर्ताषि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्माषि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधुवातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाड़मय सत्वं चिन्मयः, त्वं आनंदमय सत्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्माषि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिपूर्वमुचार्यं वर्णादितदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेणीरिदं एतत्तव मनुष्यरूपं ककारः पूर्वरूपं अकारो मध्यमरूपं अनुस्वारस्य शान्तरूपं बिन्दुरन्तरूपं नादः संघानं संहितां सन्धिः सहसा गणेशविद्यागणकरिषिः नित्योद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं अंकुशं धारिणं रदं च वरदं हस्ते विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पेषु पूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणं अच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परं एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो ब्रात्पतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। शिव माता जी की बिंदी की ओर देखते हुए आंखें धीरे धीरे बंद करेंगे और तीन बार कुंडलिनी चढ़ा के मना ले लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी जिसे हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं।
श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध एवं पवित्र कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध एवं पवित्र कर दीजिए। माँ मेरी ईड़ा नाड़ी की सभी व्याधियाँ सभी विकारें अतिक्रिया अति गर्मी को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी मेरी ईड़ा नाड़ी की सभी व्याधियाँ सभी विकारें अतिक्रिया अति गर्मी को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। माँ मेरे ईड़ा नाड़ी को शुद्ध एवं पवित्र कर दीजिए। श्री महाकाली का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्णचित आकाश की ओर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके मेरी दाहिनी नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी के सभी व्याधियाँ सभी विकारें अतिक्रिया अति गर्मी को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी के सभी व्याधियाँ सभी विकारें अतिक्रिया अति गर्मी को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। माँ माँ मेरी पिंगला नाड़ी को पूर्णतया शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आप मुझे बनाना चाहती हैं। श्री माता जी कृपा करके आप मुझे वैसा बना दीजिए जैसा मुझे आप बनाना चाहते हैं। श्री महासरस्वती का मंत्र लेंगे। ॐ तमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्णचित पे
दोनों हाथ भूमि माता पे, संपूर्ण चित्त मध्य नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी पे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरी सुषुम्ना नाड़ी की सभी व्याधियाँ, सभी विकारे, अतिक्रिया, अति गर्मी को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी सुषुम्ना नाड़ी की सभी व्याधियाँ, सभी विकारे, अतिक्रिया, अति गर्मी को पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। माँ कृपा करके मुझे आप वैसा बना दीजिए जैसा आप बनाना चाहती हैं। माँ श्री माता जी कृपा करके आप मुझे वैसा बना दीजिए जैसा मुझे बनाना चाहती है। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे रखेंगे। श्री महालक्ष्मी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। अचित मध्य मूलाधार चक्र मध्य मूलाधार चक्र पे अपने हो रहे अनुभूति या बदलाव को महसूस करते हुए हर एक चक्र में 5-5 सेकंड चित्त को डालेंगे। धीरे धीरे चित्त को ऊपर की ओर उठाएंगे, नाभि चक्र पे ले आएंगे। नाभि चक्र से चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पे ले जाएंगे नीचे की ओर। वहां पे चित्त को फैलाएंगे। और अपने अंदर के हो रहे बदलाव को भी महसूस करते रहेंगे। चित्त अपने भवसागर पर डालेंगे। नाभि चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में अर्ध गोलाकार के रूप में अपना भवसागर है, वहां पे चित्त को फैलाएंगे। यहाँ पे बाहर की कुछ आवाज़ें आती होगी, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने वॉल्यूम 0 पे नहीं रखा है। अगर 0 पे रखती तो आप लोग को समझ में नहीं आता। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा वॉइस भी थोड़ा सा आप लोग को बताने के लिए दिया है क्योंकि वीडियो को मैं और लंबा नहीं कर सकती थी। आप सहज योगा मेडिटेशन के लिंक में जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे ध्यान में आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। श्री माता जी कृपा करके आपका चरण कमल मेरे हृदय को स्पर्श करा दीजिए।
माता जी, कृपा करके आपका चरण कमल मेरे हृदय को स्पर्श करा दीजिए। माँ आपका चरण कमल मेरे हृदय को स्पर्श करा दीजिए। चित्त ऊपर के उठाते हुए विशुद्ध चक्र पर ले आएंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करके श्री माता जी कृपा करके मेरे विशुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरे विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण की शक्ति को जागृत कर दीजिए। माँ श्री माता जी कृपा करके मेरे विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण की शक्ति को जागृत कर दीजिए। चित्त को थोड़ा सा ऊपर के उठाएंगे और अपने आगे चक्र पे ले आएंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमाशील तथा त्यागवान बना दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमाशील तथा त्यागवान बना दीजिए। माँ श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमाशील तथा त्यागवान बना दीजिए। अचित को सहस्त्रार के लिए आएंगे। संपूर्ण चित सहस्त्रार के सहस्त्रार में दबाव डालेंगे और हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। अपने सहस्त्रार में गर्म ठंडा जो भी अनुभूति हो रही है उसको महसूस करेंगे और इसी अनुभूति के साथ कुछ देर ध्यान में बैठेंगे।
हाँ 5 बजे चला जाता है। जी।